वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज एक और जगह जा रही हूँ, तो आपको लेके चलूंगी। और अभी मैंने अपना एक व्लॉग बीच में स्टॉप किया है। मैंने सोचा कि मैं कहीं जा रही हूँ तो बाहर का व्लॉग अलग करती हूँ। और आज रेड 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 काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और मैंने बनाई है ऐसे पोनी टेल, हाई पोनी टेल बनाई है। और चलिए निकलते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं मिल गई हूँ अपनी फ्रेंड नीतू से। और अभी तक मैं रिक्शे से आ रही थी, यहाँ बीच में मेरी फ्रेंड ने मेरे को पिक कर लिया था। तो यहाँ पे नीतू अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और इसके बाद फिर हम सब लोग एक साथ कहीं जा रहे हैं। तो आगे आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए बैठते हैं स्कूटी में और निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। तो मैं आई हूं नीतू की दीदी के घर, मतलब कि मेरी भी दीदी ही लगी, नीतू की दीदी मेरी दीदी। तो बस वही यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहां नीतू दे रही है आंटी जी को मिठाई, मतलब दीदी की सास हैं वो। और ये देखिए ये होममेड पेड़ा है, बहुत ही टेस्टी सारी मिठाइयाँ थीं। सबसे पहले दीदी ने बहुत सारी मिठाइयाँ हम लोग को खिलाईं, तो हम लोगों ने मिठाइयाँ खाईं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। सामने यहाँ आंटी जी बैठी हैं, वो टीचर हैं, और मतलब टीचर थी, अभी तो रिटायर हो गई हैं, तो वो अपने समय की बातें बता रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इधर देखिए उनका घर भी बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको उनका हाउस टूर भी करवाती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको हाउस टूर कराती हूँ। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा हाउस टूर। इधर रखा हुआ है एक्वेरियम, ये है पूजा घर। और इधर है किचन जहाँ पे है नीतू। आइए सब लोग सिंघाड़े खाइए, आइए आइए सिंघाड़े खा लीजिए। और इधर दीदी हैं, हाय दीदी। अभी नीतू चलती है आगे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे छोटू सो रहा है और इधर है हम और नीतू। कहाँ गई नीतू? और ये है बच्चों का टेंट हाउस। छोटू जी सो रहे हैं। इधर से हम फिर बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ बाहर का दिखाएंगे गार्डन। और ये है बाहर का रूम, अंशी का स्टडी रूम। यहाँ पे उसके बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं, ये देखिए। और इधर से हम लोग बाहर निकलेंगे तो आपको चलिए गार्डन भी दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारा गार्डन है दीदी का भी। यहाँ बाहर से आओ, चांस करवा रही हूँ। ये किस चीज की बेल है दीदी? ये उसकी है। अंगूर है क्या? नहीं ये बेला। वो बेल करेला है। करेला आंटी
आंशी 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 घर यहाँ पे देखिए रोज का फ्लावर लगा हुआ है। ये है तुलसी जी का पौधा, आप सभी जानते होंगे तुलसी आंगन में लगी हुई है, वो भी कितने अच्छे से मेंटेन है। तुलसी जी की पूजा यही तो करती हूँ। ये भी है अंदर, चलिए चलते हैं ऊपर छत पे भी दिखाते हैं आपको। किराए से रहते हैं। अच्छा अच्छा रेंट पे रहते हैं लोग बाग। मेथी भी लगी है। कम हाय आंशी। हेलो। और ये पता है आपको, मेरी सबसे प्यारी छोटी सी प्यारी सब्सक्राइबर है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को मिलवाती हूँ। तो आंशी तुम कुछ कहना चाहती हो? या बोलो। आप मेरी मौसी का वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हम लोग ऊपर छत पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं दीदी के घर पे। तो ये है करेला की बेल, जिसमें कि बहुत सारे करेले लगे हैं, तो वही दीदी यहाँ पे हम लोग को दिखा रही थी और उन्होंने बहुत सारे करेले तोड़ करके मुझे दिए और आप आंशी से मिल लिए। वो बहुत खुश थी मेरे से मिल करके, वो मेरे वीडियोज़ देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। जब उसने मेरे वीडियो देखे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं उसका फर्स्ट रिएक्शन तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट मैंने उसको सोचा थोड़ी सी बात करा देती हैं। वो बहुत खुश हुई थी मुझसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और ये देखिए कितना बड़ा सा फिश पॉन्ड है। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे दीदी बनाने जा रही हैं पालक के पकौड़े। तो बस हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं, बच्चे भी हैं और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से मिल करके। वाह, बहुत ही सुंदर है। पालक की पकौड़े की तैयारी चल रही है और इधर नीतू ने चढ़ा दी है चाय। दोनों काम काजू महिला।
सब लोग, आप लोग भी चाय पकौड़े खा लीजिए। बस अभी हम लोग यहाँ बैठ गए हैं गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, और दीदी ने बहुत ही अच्छी सी चाय बनाई थी अदरक वाली, और साथ में समोसे थे, पालक के पकौड़े थे। तो सभी लोग यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। आंटी जी बैठी हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से उन्होंने करी। तो यहाँ नीतू फिर से चढ़ गई हैं करेला तोड़ने के लिए, और उसने बहुत सारे करेले फिर से यहाँ से तोड़े थे, और बढ़िया फ्रेश फ्रेश करेले मैं घर लेकर के आई। बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर वापस जाने के लिए, और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय।